हमें सबसे बड़ी खुशी हो रही है आज राजस्थान में कि हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे बीच में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद में पहली बार राजस्थान में आ रही है। हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण, हमारे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारे प्रेस के मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं आदरणीय खड़गे साहब का, मैडम सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, ये जो हमारा न्याय पत्र 2024 जो कल लॉन्च किया है उसको लेकर के जो आज जयपुर में राजस्थान में हमें यहाँ पर सभा करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय खड़गे साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक देश में झूठ बोल के जुमलों की सरकार दी, तानाशाह सरकार दी, किसानों का शोषण किया, 3 काले कानून दिए और 22 महीने पहले इन किसानों से जो वादा लिखित में किया था, जब उसको मनवाने के लिए जब वापस दिल्ली जाने लगे हमारे किसान भाई, तो उनको रोड पे रोक दिया गया, दिल्ली नहीं जाने दिया गया। यही देश के प्रधानमंत्री, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन 3 काले कानून लाद करके किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री हमारे शेखावाटी में चूरू जिले में आए और वहां पर आकर के जो किसानों का जिला है, शहीदों का जिला है, सैनिकों का जिला है, युवाओं का जिला है, वहां पर आकर के युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों की जो अग्निवीर योजना 4 साल की अस्थायी, सेना की नौकरी को स्थायी करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसान के ऋण माफी की बात नहीं कर रहे हैं, किसान के MSP की बात नहीं कर रहे हैं, और केवल मात्र बात कर रहे हैं कि हमने 370 जम्मू कश्मीर में उठा दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे MSP का, कर्ज माफी का, किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा नहीं किया था क्या? आज देश के प्रधानमंत्री अजमेर जिले में आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि आपने अजमेर में कहा था कि 13 जिलों की ERCP मैं जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा, आज 5 साल के बाद में भी वो ERCP राष्ट्रीय परियोजना नहीं हुई है। यहाँ पर एक इस प्रकार से पर्चे से बनी हुई सरकार थोप दी, और उस सरकार के बनाने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हरियाणा का और राजस्थान का पेट्रोल का भाव बराबर कर दूंगा, आज भी 4 महीने बाद में भी 10 रुपए का अंतर प्रति लीटर यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान में है। देश के प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भ्रमित करते हुए घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराध कर दिया था कांग्रेस के समय में, आज हम अपराध मुक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे CMO में, CMR में रहने वाले CI के बेटे ने हत्या कर दी और आपने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, यह हम लोग पूछना चाहते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इनको कोई परवाह नहीं है, ये देश के असली मुद्दों से ध्यान हटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, किसान भाइयों, ये मौका है, ये हमारा न्याय पत्र आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक गारंटी के रूप में हमारे सामने लेकर के आए हैं। इसको गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाना है, कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान का किसान, नौजवान, मातृशक्ति, 36 कौम के लोग राजस्थान में ऐसा गुल खिलाएंगे कि दिल्ली में मोदी सरकार का मोरिया बोलेगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।